श्रीनिवास, ये जो गिरफ्तारियां अभी हुई हैं और इसमें जो बताया जा रहा है जो मास्टरमाइंड है शफीक, वो तस्करी स्मगलिंग ये सब तो करता ही है, लेकिन सबसे गंभीर मामला ये कि रोहिंग्याओं को भारत में लाकर बसाना, उनको आधार कार्ड वोटर कार्ड बनवा कर देना, उनको नागरिकता दिलवाना, दरअसल ये जो लार्जर पिक्चर है, जो बड़ी तस्वीर है, वो क्या है? देखिए सुमेरा, जो बात की जा रही है रोहिंग्याओं के बारे में कि तकरीबन 2000 रोहिंग्या जो हैं वो उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं, मैं आपको बताऊं कि ये संख्या बहुत ही कम है। मैं आपको इसके जड़ तक ले जाना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद वहाँ तक गया हूँ, रोहिंग्या के उस ठिकाने पे गया हूँ जहाँ से ये सारे रोहिंग्या हिंदुस्तान में आयातित होते हैं, और इनका मुख्य ठिकाना है ये बांग्लादेश बॉर्डर से पश्चिम बंगाल की तरफ से आते हैं, और इनका मुख्य ठिकाना दक्षिण साउथ परगना का बोरईपुर का एक इलाका है। मैं वहाँ खुद गया था, और वहाँ पे जो व्यक्ति इन्हें शरण देता है, मैं आज यहाँ TV9 भारतवर्ष पे उस व्यक्ति का नाम भी ले रहा हूँ, गाजी हुसैन गाजी नाम का ये एक शख्स है जिसके कि पश्चिम बंगाल की सरकार से बड़े अच्छे ही ताल्लुकात हैं। मैं इसके साथ अंडरकवर रिपोर्टर बनकर उस ठिकाने तक गया था जहाँ पे ये तमाम रोहिंग्या रखे जाते थे। एक इलाका है साउथ 24 परगना में बोरईपुर, कलकत्ता से तकरीबन 40 किलोमीटर आगे, तो आप कह सकते हैं नबन्नों की सीट के बिल्कुल नीचे है ये। जब मैं वहां पहुंचा था तो वहां तकरीबन रोहिंग्या के 40 परिवार वहां पे रह रहे थे। अब मैं आपको बताता हूं कि ये साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, ये जो पश्चिम बंगाल के सीमाई इलाके हैं, इसे रोहिंग्याओं के लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और जिस नूर आलम को 2 दिन पहले UP ATS ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया था, आज मैं एक्सक्लूसिव जानकारी TV9 भारतवर्ष पे दे रहा हूँ कि ये नूर आलम तकरीबन आज से 4 साल पहले बांग्लादेश के रास्ते वही पहुंचा था बोरईपुर के कैंप में, और वहाँ तकरीबन 40 परिवार आए थे, और मुझे खुद उस शख्स ने वहाँ बताया था कि यहाँ 5-6 महीने ये तमाम रोहिंग्या रुकते हैं, उसके बाद वो हिंदुस्तानी समाज परिवेश को जानने के बाद अलग अलग इलाकों में, देश के अलग अलग इलाकों में चले जाते हैं। ये और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।